पूरे देश और दुनिया के साथ ही कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योगाभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। खास बात यह रही कि लोगों को योगाभ्यास कराने वाले प्रशिक्षक भी मुस्लिम समुदाय से ही है। ये फिटनेस से रिलेटेड है, इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम लगभग 8-10 वर्षों से योग पे काम कर रहे हैं और हमने इंटरनेशनल लेवल पर दुबई में मैरियट 5-स्टार होटल में भी जाके अरबों को मैंने योगा सिखाया। मैंने इराक में जा कर के इस पर काम किया। तो मैं 8-10 वर्षों से लगभग इस पर काम कर रहा हूँ और इसका धर्म मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ये फिटनेस है, जैसे मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं उसमें भी अगर आप सारे अरकान देखेंगे तो वो आप उसको योगा कहेंगे। तो योगा को इस धर्म मज़हब से बिल्कुल नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये फिटनेस से रिलेटेड है और आज के इस महामारी के दौर में जबकि आदमी को इम्यूनिटी बढ़ाना है, लंग्स का पावर बढ़ाना है, तो योगा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी बहादुरगंज में अपने घर के पास पार्क में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान मंत्री नंदी ने योग के बाद लोगों को योगा करने के फायदे भी बताए।